नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा दुनिया पे। मैं पूनम आपके साथ। सिद्धार्थ बसु एक फेमस टीवी प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने क्विज मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धार्थ ने कौन बनेगा करोड़पति, दस का दम और इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे शोज का कॉन्सेप्ट दिया है। एक रिसेंट इंटरव्यू में सिद्धार्थ ने कहा कि सलमान जब दस का दम कर रहे थे उस वक्त तक उनकी बैड बॉय वाली इमेज थी। शो के बाद उनकी इमेज काफ़ी हद तक बदल गई। सिद्धार्थ ने बतौर केबीसी होस्ट शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के बीच अंतर में भी बात की। सिद्धार्थ ने कहा कि लोग शाहरुख के पास खुले हाथों के साथ जाते थे, शाहरुख के अंदर एटीट्यूड नहीं था, जबकि अमिताभ बच्चन के पास लोग हाथ जोड़ते हुए जाते थे। जाहिर है कि बिग बी का रुतबा अलग था। सिद्धार्थ ने ललन टॉप से बात करते हुए कहा, कौन बनेगा करोड़पति ने हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल कर रख दी। टीवी इंडस्ट्री में भी इसके बाद काफ़ी बदलाव आए। खुद अमिताभ बच्चन की लाइफ भी इस शो के आने के बाद कितनी बदल गई। शो जब टीवी पर आता था तो हर रास्ता खाली हो जाता था, रेस्टोरेंट भी खाली रहते थे, हर घर में केबीसी का म्यूज़िक सुनने को मिलता था। हम लोग एक बार डिस्कस कर रहे थे हमें केबीसी के लिए किसी होस्ट बनाना चाहिए। किसी ने अमिताभ बच्चन का नाम लिया, मैंने उनका नाम सुनकर चौंक गया। 1999 में अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भारी नुकसान हो गया था। बिग बी 90 करोड़ के कर्जे में आ गए थे। लेनदान घर पर आकर अपने पैसा मांगते थे, तभी उन्हें साल 2000 में कौन बनेगा करोड़पति होस्ट करने को मिल गया। 2013 में एक इंटरव्यू में बिग बी ने कहा था, ये ऐसे वक्त में मेरे पास आया जब मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। रिपोर्ट्स की माने तो पहले सीजन के 85 एपिसोड से बिग बी ने 15 करोड़ रुपये कमाए थे। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।